डे मेरी मौसी ने मेरे इतनी मेहनत करा दी हेलो गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं अपने गणे वापस जाऊंगी बेरी और मौसी ते टाटा बाय बाय बोल जाऊंगी। आज मत जा काल चले जाइए, मैं खाज जाऊँ काल जाऊँ के फर्क पड़ा है जाना तो सही। तो मैं तैयार व्यार हो लियो ना का 5 मिनट में करते निकलूंगी, बस का टाइम हो गया है। राखी टाइपिंग पे जाया करो, उसकी गलाई चली जाऊँगी, फिर उस तक मैं ऑटो लेकर तक बस स्टैंड जाऊँगी, फिर वहाँ पर सीधी बस मिल जाएगी। ये मेरी मौसी ने मेरे इतनी मेहनत करा दी सारे गमले। मैं झूठ बोलती हूँ, मेरे सांस पहले ताप तिर जा, सारे मेरे करेड़े हैं। ये फूल खिल गया, उसमें छोटी जी मेरा देखिए प्यारा लग गया। और देखिए कितने मेहनत बनाए है मैंने। इवनिंग तक खुद बेरी कब आओगी? मैं कौन दिन जी था क्यों मेरे दे देख रखी न्यू कई सारे पेड़ पौधे मैंने बोई लगाए हैं। राखी की तुम्हारी की कोई वैल्यू है को नहीं? राखी ते बुझवा दे, हूं बुझवा दे। आइए राखी मोरे किससे ना करे रंग किससे ना करे। आज मैं तो कहूं आइए राखी एक बार पानी पी के तुमने न्यू बता दे अख जो है जितनी भी पलकड़े बोतल भरी है पलकड़े में उसमें तय 100% में तय 10% होगा थारा कंट्रीब्यूशन। देख ले वहां पर है ओटड़े बनी को सारे का मुझे मन लगा रहे ओटड़े वाली वे कलर वाली बोतल कही है मैंने जितनी भी कलर्ड है का बोतल है तीन तो है दो तो झूमर हो गए वे वो नहीं बोला मैंने। हाँ। मैंने ओटड़े पर जो रख रखी है ना वो बोली रहन दे देख देख छुट्टी जो ओटड़े पर धरी है ना वो बोली थी मैंने बोला था। अच्छा नंबर बना से नंबर के बना दिया ठीक हूँ। चलो मसी बाय 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 दुख हो रहा मसी का है कोई सही नहीं सब बदल दिए। मैंने बैग भी टांग लिया रही मैंने रोकने की कोशिश कर रही है आखिरी दम तो ही वाना छोड़ दे होप। बाय बाय मौसी बाय बाय। पहले तो 12 बजे आया करती फिर एक आई थिंक 12:30 भी हो गई थी तो मैंने ना पता। और अब जो टाइम है ना वो इबे तो 11:30 भी ना बजे है 11:22 हुई है तो काफ़ी देर जो है बस स्टैंड पर वेट करना पड़ेगा मैंने ये नहीं बेरा कब आओगी बस। और मौसम बिल्कुल बारिश जैसा हो रहा है देख सको अड़े सब मन घूर घूर के देखे हैं आगे चलती चलती किस तरह बात करें नहीं वो ऑटो वाला देखे था पर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे दिन हो गए ना करते भर रहे तो ये अच्छा लगा घर जाते आने बहुत दिनों बाद मैं रोहतक के बस स्टैंड पे आई हूँ। वैसे तो मैं आना ही ना पड़ा था क्योंकि मैंने दिल्ली बाईपास से बस मिल जाया करती जरूरत ही ना पड़ी मैं
वास्ते लग रही है, पहले मैं देख लू लाख या मेरी शायद मेरी हो टाइम तक पहुंच जाऊंगी घर को। हे भगवान मेरी लग रही है। सीट नंबर मिला है, एक टिकट दे दो मेरी भी। टिकट तो मैंने ले ली, सीट नंबर है 39। इतनी जल्दी बस मनास्ते ना मिली थी जितनी आज मिली है, सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए मैंने। वो तो मैं सही टाइम पर आ गई, 8 मिनट रहते, 11:30 बजे भी इसने बस शुरू कर ली, तो मैं मान लो 1 घंटे मैं घर पहुँच जाऊँगी। ये सबसे गर्मी हो रही है, एक नंबर की जबरदस्त गर्मी है, बस इन्हें कुछ कुछ लिया बस मैं बैठे गए। कौन थी ना बारिश आ गई, थोड़ी थोड़ी बार बारिश आने भी लग गई, बस तेज ना होने चाहिए ना तो ना हालत खराब हो जाएगी। मैं फाइनली देरी पहुंच गए उत्तर की बस में, मैं तो फाइनली मैं उतर ली देरी तो, ये ब्याह घर जाऊंगी 2 मिनट में पहुंच जाऊंगी फटाफट, और ना घर में किसी से बताई भी कोनी थी कॉल करके कि मैं आऊंगी। बहुत ज़्यादा धूप हो गया यार, देखो उड़ा तो बारिश होने लग रही है यार उत्तर तो, और आड़ इतनी तेज धूप है, बारिश आ जाने से गमी गर्मी हो रही है जबरदस्त पति। बाड़े तो एक दो चीज़ लेके जाऊँ, मन कर रहा है कई दिन हो लिए, तो बाड़े तो थोड़ा बहुत सामान ले लूँगी। सामान तो जो था वो मैंने ले लिया दुकान पर, एक घर पर जाने लगा। मेरी माँ ने घ्यू सुखा रखे हैं, मैं तो सोची पेटा पानी बिना दिया होगा, रुखाड़ तक करिए घर क्या सारे सही है। खोल दो बिना बताया आई हूँ, किस साल आ गया मैं कह रहे नरे पसीने तो सुती गर्मी है, बारिश हो जाए पर आराम मिल रहा है। 1 मिनट बिना खड़ा होना पड़ा बस स्टैंड पर, बस स्टैंड पर बस लाग रही थी सुती सदी मेरी, ना 2 मिनट लेट थी तो बस निकल जाए। ये वाले ने पार्ले की टॉफी चुटती थी ना, मैंने इतनी खाई होनी है बहुत गड़ी, मतलब ये आज भी मेरी फेवरेट टॉफी है। पहले तो 1 रुपए की 2 आया करती, तो एक की एक आने लग गई, मैं आई ना जब दुकान पर लेकर आई थी, मगर घने दिन हो लिए आज खाऊंगी। मेरी मौसी ने इतनी अच्छी है, मतलब इतने सारे सूट सिल कर दिए हैं, मतलब पूरा इतना बड़ा थैला रख दिया है, मुझे सारे दिखाऊंगी मैं, मेरी मम्मी ने भी दिखाऊंगी किसे बताऊंगी, क्योंकि मम्मी ने भी बेरा को नहीं मैंने दिखाया भी को नहीं, मैं सीधा डायरेक्ट वीडियो बनाएगी तो मैं जब दिखाऊंगी। ये मैं मेरी माँ ने न्यू दिखाऊंगी, एक मैं मेरी मौसी ने मतलब केक के दिया। यू बताइए कौन सा सूट अच्छा लगा, ठीक है ये तो देखा चप्पल लेकर आई थी, मेरी वीडियो तो देखी होगी, ये वाली चप्पल पहनी थी मैंने किसी लगी यू का मार के दिखाऊंगी सिर्फ पटका, ये मारन थी को ये पहन थी है, इसका निकले तो पिको करा के ले आनी है। देखो ये कुर्ती है आजकल जो चल रही है ये वाली ऊपर तो इसी है, ये सूट तो देखा होगा ब्लॉग होगा उसमें देख लोगे तुम, ये वो सूट है। या भी वा जो पहला पिंक दिखाई थी वैसी सेम कुर्ती है या वाली भी ऐसे ही है, इसमें इलास्टिक डाल रखी इसके अंदर अच्छा लुक आ रहा है, और फिटिंग भी अच्छी आ रहा है, जो कभी भी चाहे रश्मि पहन लिया मैं पहन लूँ और पूरा सुंदर है। इसका ही पिको करानी है, इन दोनों का पिको सुंदर है, और इसके नीचे पैंट प्लाजो सिल लिया मोस्टी ने सिल लिया, ये कितना प्यारा है कैसा लगा मोसी ने है न्यू वाली राखी सी लिया करती सारे सूट, मोसी ने सबसे पहला मेरा प्लाजो सिल लिया ना मोसी ने पिको प्लाजो सिला, और है ना देखो यह वाली सलवार सिलाई है जो अफगानी आजकल चल रही है ना, अफगानी सलवार और अफगानी प्लाजो भी बोल दे हैं, क्या वाह वाली है सिलवा ली मैं वीडियो दिखा के यूट्यूब पे, अच्छी है ना एक नंबर की लागत है सत्ती सत्री, और यो जो मैंने अफगानी सलवार दिखाई ये उसके ऊपर का सूट है, ये इसका ना बहुत कसूती बढ़िया फिटिंग आई है इस वाले सूट की ना, कितना प्यारा लग रहा है, यो मैं मेरे बर्थडे पे पहनूंगी, ठीक है ये लेकर आई थी मैं और तो...